कुंज से गोविंद मदन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर की बायोलॉजी क्लास में हमने पिछली क्लास में नेक्स्ट लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था, वंशागति का आणविक आधार। उसमें आपने देखा था कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई थी, ग्रिफिथ का प्रयोग हमने देखा था और उसी के साथ में एवरी मैकलियोड और मैकाल्टी ने कैसे प्रूव किया था कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने पिछले क्लास में देखे थे। आज की क्लास में देखने वाले हैं कि आनुवंशिक पदार्थ यानी क्या होता है, डीएनए जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखना शुरू करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की संरचना, आनुवंशिक पदार्थ जो है क्या होता है, वो डीएनए होता है। ठीक है, कुछ जीवों में डीएनए के अलावा आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जैसे कि वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डीएनए जो है वो तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पे जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर कोशिका द्रव्य में ही पड़ा रहता है और उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड यानी के केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए अकेला होता है यानी उसके साथ में कोई भी प्रोटीन्स नहीं होती, डीएनए स्वतंत्र रूप से सेल के अंदर पड़ा रहता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है कि केंद्रक के अंदर वहां पे डीएनए क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है। क्रोमेटिन कैसे बनता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमेटिन बनाते हैं, वो एक लंबा प्रोसेसर है। आगे आप देखेंगे कि कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है, वहां पे आपको पता चलेगा कि क्रोमेटिन क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। चलिए ये तो क्यों कहाँ मिलता है, अब देखते हैं कि इसकी संरचना क्या क्या उसमें चीजें पाई जाती है डीएनए के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या देखना है हमें, डीएनए की संरचना हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें तो पाई जाती है तीन चीजें पाई जाती है, पेंटोज सुगर यानी कि पेंटोज शर्करा, नंबर टू पे नाइट्रोजनस बेस जिसको नाइट्रोजनस चार आप बोल सकते हैं, नंबर थर्ड क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है कि न्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए की इकाई बनती है। ठीक है, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब देखते हैं कैसे होता है, जो पेंटोज सुगर होती है वो कौन सी होती है, डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज सुगर। कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज सुगर यहाँ पे डीएनए में पाई जाती है, पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पेंटोज का मतलब होता है पांच, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पांच कार्बन डीऑक्सी राइबोज सुगर में मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेंटोज सुगर कहते हैं। देखिए यहाँ पे पेंटोज सुगर यानी कि डीऑक्सी राइबोज जो सुगर है उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन यहाँ होता है, दूसरा यहाँ लिख देते हैं, एक कार्बन ये हो गया, दो तीन चार और पांच वाले यहाँ पे है, यानी कि नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव। इसीलिए सुगर को क्या बोला है, पेंटोज सुगर बोला है, क्योंकि यहाँ पे पांच कार्बन सुगर में मिल रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर से एग्जाम पूछी जाती है कि पेंटोज सुगर की संरचना बनाई है। ठीक है, अब देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच सुगर है, डीऑक्सी राइबोस नाम जो है सुगर का, डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सुगर दो तरह की होती है, जो पेंटोज सुगर होती है एक आरएनए में मिलती है और एक डीएनए में। जो आरएनए में मिलती है उसको हम बोलते हैं राइबोस सुगर। कौन सी सुगर होती है, राइबोस सुगर उसको हम बोलते हैं राइबोस सुगर। ठीक है, तो राइबोस सुगर में होता क्या है, यहाँ पे जो दूसरे नंबर का कार्बन है यहाँ पे भी ओएच ग्रुप होता है। जब राइबोस सुगर में से ओएच ग्रुप निकाल दिया जाए दूसरे नंबर के कार्बन से, तो इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सी, डीएनए दूसरे नंबर के कार्बन से क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप निकालते हैं, उसके क्या नाम है, डीऑक्सी राइबोस। तो आपको दोनों सुगर की स्ट्रक्चर यहाँ पे याद हो जाएगी सिंपल, अगर आपको एक याद है तो दूसरी भी ग्रुप याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुई पेंटोज सुगर, डीएनए का फर्स्ट स्टेप क्या है, पेंटोज सुगर की स्ट्रक्चर हमने देख ली डीऑक्सी राइबोस।
है वो सुगर, ठीक है। दूसरी क्या चीज है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक प्यूरीन बेस और एक होता है प्रीमरीन बेस। यहाँ पे क्या है कि जो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस लिखे हैं उन्हीं के नाम हमने लिखे हैं। जैसे प्यूरीन में आता है एडिनिन और गवानिन, प्रीमरीन में आता है थायमिन और साइटोसिन। ये चार नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे पाए जाते हैं और इन्हीं चार नाइट्रोजनस बेस के आधार पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो भी चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। एडिनिन गवानिन, इनको हम शॉर्ट में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, इसको जी लिख सकते हैं, इसको पी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं। तो अगर आगे का कहीं पे भी ए जी सी सी कुछ ऐसा लिखूं तो आप समझ जाना कि यहाँ पे एडिनिन गवानिन थायमिन और साइटोसिन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है, फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों चीजें जुड़ जाती है तो जाके क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। चलिए न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले हम दो चीजें देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। अभी देखिए सबसे पहले क्या बनता है, डीएनए की सबसे पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। इसमें दो चीजें होती है, एक तो क्या होती है पेंटोज सुगर ऐड होता है प्लस दूसरा क्या होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस का मतलब इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। जब ये दोनों चीजें जुड़ जाती है तो उसको उस संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब क्योंकि चार प्रकार के न्यूक्लियो क्या है, चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है तो नाम क्या हो जाएंगे न्यूक्लियोसाइड के, जैसे कि एडिनिन है तो इसको क्या बोल देंगे हम, एडिनोसिन। क्या हो जाएगा एडिनोसिन, ये क्या हो जाएगा गवानोसिन, एडिनोसिन गवानोसिन थायमिन साइटोसिन। इस तरीके से चार प्रकार के क्या हो जाएंगे न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे। अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तीसरी और चीज जोड़ देते हैं फॉस्फेट ग्रुप, अगर इसमें जोड़ दिया जाए फॉस्फेट ग्रुप अगर यहां पे जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, क्या नाम दिया फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड इन्हें कहा जाता है। तो अगर आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या सबसे पहला डिफरेंस आपको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें हैं पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस, केवल दो चीजें हैं, और न्यूक्लियोटाइड में क्या है पेंटोज सुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट तीन चीजें होती हैं, ठीक है। सीबीसी आप संरचना के बारे में आप समझ गए होंगे। एक जो नाइट्रोजनस सॉरी न्यूक्लियोसाइड होता है वो होता है क्षारीय प्रकृति, कौन सी प्रकृति रहेगी क्षारीय प्रकृति, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड की कौन सी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय प्रकृति, क्यों, क्योंकि यहां पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है जिसकी वजह से इसकी प्रकृति क्या हो जाती है अम्लीय हो जाती है। दूसरा जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो न्यूक्लियोटाइड का घटक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है न्यूक्लियोटाइड का घटक है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है न्यूक्लियोटाइड डीएनए का घटक है आरएनए का घटक है, ठीक है। तो ये क्या है एक बड़े मैक्रोमोलेक्यूल्स से बने हैं। तो ये है कि डीएनए की संरचना में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, पेंटोज सुगर की स्ट्रक्चर आपने देखी, नाइट्रोजनस बेस आपने देखा, चार प्रकार के होते हैं एडिनिन गवानिन थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। और एक छोटा सा डिफरेंस जो आरएनए होता है चार न्यूक्लियोटाइड से पेज चेंज हो जाता है, जब टी होता है वहां पे थायमिन की जगह क्या आ जाता है यूरेसिल आ जाता है, यानी कि यू आरएनए में अगर यूरेसिल आ जाए तो किसमें बदल जाएगा आपको आरएनए हो जाता है। जब डीएनए और आरएनए में आपसे अगर पूछा जाता है तो एक डिफरेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी क्या डीएनए की संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती है, डीएनए के घटक क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। तो इस तरीके से डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बना। अब उसके आगे जाकर डीएनए कैसे बनता है, तो डीएनए से बनेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया,
आपस में जुड़ते हैं बॉन्ड के द्वारा। बॉन्ड भी कौन सा बनता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि जब एक क्या है, ये पेंटोज शुगर है, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 नंबर का कार्बन होता है और यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, H। तो जब अगला जुड़ेगा इसके साथ में तो ये 5वें नंबर का कार्बन जुड़ेगा और ये कौन सा है, 3वें नंबर का। तो जब तीसरा और 5वां जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, 3 to 5 prime phosphodiester बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं वो 3 prime से 5 prime phosphodiester बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए है वो क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। पॉली मतलब